सर रंजीत कुमार, आई बिलोंग टू एटम। फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम रंजीत कुमार है और मैं एटम से बिलोंग करता हूं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो ज्यादा तो नहीं है, मैं पांचवी पास हूं। आप लोगों को लगता होगा कि मैं कोई हाई स्कूल लेकर बीए बीएससी पीएचडी आईटीआई पॉलिटेक्निक करा हुआ हूं। आई डोंट, मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग करते हैं। उससे क्या मिलता है नहीं मिलता है मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि स्मार्ट वैल्यू में चाहे अंगूठा टेकी क्यों ना सही, उसको बड़ी बड़ी मालाओं का स्वागत होता है, बड़ी। और अगर बात करें उससे पहले की, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मैं सब्जी बेचने का काम करता था और इस दुनिया में मेरे पापा नहीं है। जो भी सारा कुछ किया, हम दो भाई एक बहन है, मेरी माँ एक मजदूरी करके दूसरे के खेतों में काम करके हम लोगों को बड़ा किया है। और ऐसा कोई काम नहीं है, मेरे मन में एक ही डाउट था। पहले तो मेरे समझ में आता कि मेरा जो सोच था वो था कि मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन घर पे प्रॉब्लम होने के बाद मेरी माँ मजदूरी करती थी, मेरी दीदी मजदूरी करती थी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। उस समय मेरे पास दो ऑप्शन थे, रंजीत या तो आज तुमको अपना पढ़ाई करना है या फिर फैमिली को चलाना है। लेकिन उसी समय मैंने डिसीजन लिया कि पढ़ाई करके लोग हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी पीएचडी करने के बाद में सारा खेती किसानी करेंगे, उससे बढ़िया कर रंजीत तू पांचवी पास करके ही खेती किसानी कर। ये मेरा खुद का सोच था। और आज अगर उस समय के बारे में बात करूँ तो मैंने आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ, आप लोग यकीन करिएगा। मैं जब दिल्ली में था उस समय मेरे को कोई काम का नहीं रखता था, तो ये रंजीत कुमार कबाड़ा बीन बीन करके अपना खुद का मेंटेन करता था, कबाड़ा बीन बीन करके खुद का मेंटेन। और आज ये सब कुछ हो पाया है, यही नहीं कि मैं अकेला हूँ। आज मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि लाइफ में गुरु होना जरूरी है। बहुत सारे लोग भगवान को पूछते हैं, बट मैं अपने गुरु को पूछता हूँ, क्योंकि भगवान का भी गुरु था। आज मुझे ये बात पता है कि अगर भगवान भी है, जब भगवान जैसे लोग अगर अपना गुरु बना सकते हैं तो मैं तो पांचवी पास हूँ। लेकिन उससे पहले रियलिटी आप लोगों को बता रहा हूँ, जब सब्जी बेचता था लोग मुझे पूछता नहीं था, लेकिन आज मैं अपने गुरु का नाम लेना चाहूंगा कि आज औकात नहीं था मेरे से, लोग मुझे बोलते थे और लात मार के चले जाते थे। लोग बोलते थे तेरा औकात क्या है, क्योंकि कस्टमर सभी तरीका का आता है, कोई प्यार से भी बोलता था तो कोई गाली भी देकर के जाता था। लेकिन आज मेरे गुरु मिस्टर संतोष सर, मिस्टर विजय सर, मिस्टर अजय सर, आज उन्होंने मेरा वो औकात बनाया है कि अलीगढ़ के विधायक के घर में भी साला चाय पी करके आए थे, विधायक में चाय पी करके आए थे, आज वो औकात बनाया। लेकिन ये सब कुछ हो पाया। आज मैं आप लोगों को रियल बताना चाहूंगा कि लाइफ में आप अपना गुरु बनाइए और गुरु भी परफेक्ट बनाइए, ऐसा गुरु बनाइए जो आपको दिन और रात साथ दे। और आप लोगों से ये भी मैं बोलूंगा, आज मैं अकेला सक्सेस हुआ कोई बड़ी बात नहीं है। इतना मेरा कमिटमेंट है, जितना भी लोग यहाँ बैठा हुआ है, आने वाले दो से तीन महीने के अंदर सभी के पास बाइक स्कूटी होगा, माई कमिटमेंट बाइक स्कूटी होगा सभी के पास। आज एक समय था तो मोबाइल लेने का औकात नहीं था, मोबाइल लेने का, लेकिन आज मैं सिस्टम से आप लोगों को बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों का सोच होता है कि एक मोबाइल खरीदूं, लेकिन इस सिस्टम से इनकम करके अभी तक चार मोबाइल तो मैं खो चुका हूं, इस सिस्टम से खरीद करके 15-15, 20-20 हज़ार के। आज भी रिसेंटली भी जो मैं मोबाइल चला रहा हूँ ओप्पो A31 जिसका कॉस्टिंग है 12,500 जो मैं यहीं से खरीद कर। एक समय था साइकिल, रियल बता रहा हूँ, साइकिल खरीदने का औकात नहीं था। साइकिल मैं अपने आप लोगों को बताना चाहूंगा, साइकिल भी जो मैंने लिया था वो सेकंड हैंड लिया था। और आज मैं आज जो आगे भी हूँ, इसमें सबसे ज्यादा जो हाथ है वो है मेरी माँ। लाइफ में मैं पहली बार तो मेरी माँ के लिए जबरदस्त लाइफ में होना चाहिए। लोगों के पास कैसा होता है, लोगों के पास पैसा होता है तब उनके माँ बाप सपोर्ट नहीं करते। मेरी माँ के पास पैसा नहीं था, नाक से लेकर के कान से लेकर के गले से लेकर के पैर से लेकर के सारा जेवर गिरवी रख के मेरा यहाँ एडमिशन कराया था, सारा जेवर गिरवी रख। आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपनी माँ की वजह से हूँ। सब लोग अपने भगवान को पूछते हैं,
लेकिन मैं अपने गुरु और अपनी माँ को पूछता हूँ। आज आप लोगों को भी यही कहूंगा, कोई भगवान नहीं होता है, भगवान असल में वही होता है जो आपका साथ देता है। सुख में तो सब साथ देते हैं, लेकिन दुख में साथ देता है वही असली इंसान होता है। यस और नो? यस और नो? जिस समय साइकिल खरीद रहे तो अपराध नहीं था, पड़ोसियों की बाइक लेते थे बोलते थे तो बोलते थे तेरा अपराध है जो कि तू बाइक चलाएगा, लेकिन स्मार्ट बेटू से इतना अपराध बनाया कि आज से 2 साल पहले अपनी खुद की इनकम से 72,000 का बाइक परचेज किया, 72,000 का। लोग बोलते थे, अभी मेरा एक और ड्रीम है, मैं लोगों को बताता हूँ, मैं लोगों से बोलता था कि तू पता नहीं क्या करता है। लोग जब मैं गांव जाता हूँ तो सर जी कह के बुलाते हैं, लोग मुझे लगता है कि वो चढ़ाते हैं। आज हकीकत बता रहा हूँ कि आज मेरे सगे मामा जो मुझसे बोलते थे तू कुछ नहीं करेगा भीख मांगेगा, आज वो उस जलन के मारे आज यहाँ पर नहीं आए। लेकिन आज रियल बता रहा हूँ कि जो मुझे, मैं उनका भांजा ना होकर के भी उन्होंने मुझे अपना भांजे का सपोर्ट दिया, मैं चाहूंगा मेरे मामा जी आए रमेश मामा उनके लिए जोरदार ताली, जोरदार। आज उन्होंने मुझे पल पल सपोर्ट किया, चाहे पैसे से लेकर के चाहे किसी से लेकर के, दिन रात को मेरे साथ खड़े रहे दिन रात। आज बाइक लिया वो बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को ये ओपन चैलेंज है कि आने वाले 26 जून 2022 में रंजीत कुमार इसी सिस्टम से 6.5 लाख रुपए का टाटा का टियागो कार परचेज करने जा रहा है। टाटा का टियागो और इतना भी कमेंटमेंट है, ये सारा कुछ हो पाया तो पता क्यों हो पाया? क्योंकि लोग मुझे चढ़ाते थे, कह रहे तू 5वीं पास है क्या कर पाएगा, 5वीं पास है क्या कर पाएगा। लोग को बोलते तू टिकना मत, मुझसे खुद बोलते थे तू मत टिक, लेकिन मैंने एक ही बात बोला जो कि मैं लिखाया भी हूँ कि जीत हटने से नहीं, जीत डटने से मिलती है, हटने से नहीं डटने से मिलती है। अगर आप डटोगे डेफिनेटली आप स्विच करोगे। और एक बार मैंने सोचा कि साला फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन, जिसका शुरुआत अच्छा होता है साला उसका अंत भी अच्छा होता है, अंत भी अच्छा होता है। इतना ही बोल करके मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।